वेलकम बैक एवरीवन। विविध प्रश्नावली नंबर 4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जो क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस पे एक सेम कंडीशन अप्लाई है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो उसकी वैल्यू है पाई या 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें सिमिलर भी हैं, जैसे साइन बी साइन सी है, फिर यही एंगल हाफ में भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा और कॉस है, फिर कहीं कोई एक प्लस माइनस हो सकता है, इस तरह से कुछ सेम टाइप के भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c वैल्यू जो है वो 4 साइन ए साइन बी साइन सी है। देखिए एक जो तरीका है वो बताया हुआ है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक आपको वो तरीका भी ज़रूर आना चाहिए कि आप एक बार चीज़ों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे अगर आप इस ये जो ए बी सी है इसको आप कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकें कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाए, तो उसमें भी अप्लाई करके आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जो हमारा पूरा जो तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो तो हम कर ही रहे हैं। तो देखिए साइन 2a साइन 2b साइन 2c, हम कोई भी दो वैल्यूज़ जो है, तीन टर्म्स हैं, कोई भी दो टर्म्स एक साथ लेके साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो वही हमने किया है, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। जो बाई 2 है वो 2a 2a जो तो 2 दोनों के साथ है, इसलिए जो अपॉन वाला 2 है वो कैंसिल हो गया और बचा साइन 2c। उस 2c को हमने लिख दिया साइन पाई माइनस 2a प्लस बी, यानी कि यहाँ से जो c की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये यहाँ पे ये 180 माइनस इस तरह से आ जाएगा। तो 180 में से जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है साइन 2c है, तो साइन 2c को हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरे में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2a प्लस 2b बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2c, ये कंडीशन बनी। 2c की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 360 माइनस 2 और इनटू a प्लस b, ये कॉमन ले लिया हमने, ये इधर ला के माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। c की वैल्यू चाहिए तो हमको ये वाला माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 2c माइनस करना पड़ेगा 360 डिग्री में से, तो ये इस तरह से इंटरचेंज होंगे। तो ये यहाँ पे और 360 माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू आएगी माइनस का साइन 2a प्लस b, इसलिए ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है कि साइन 2a प्लस b। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन गया साइन 2a का फॉर्मूला, a प्लस b है एक ही जगह, तो हम इसको ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 साइन a कॉस b वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो ये आ गया 2 साइन a प्लस b कॉस a प्लस b। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसे 2 साइन a प्लस b कॉमन आ रहा है इसमें, तो a प्लस b को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 साइन a साइन b, तो वो फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं भी है तो cos a माइनस b और cos a प्लस b का फार्मूला तो आपको याद होगा ही, उसमें भी अगर वो अप्लाई करेंगे तो उससे भी सॉल्व होकर 2 साइन a साइन b ही आएगा। और अब आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई करें 2 साइन a साइन b, तो वो फार्मूला हमने रख दिया। यहाँ पे जो a प्लस b था इसको वापस से गिवन कंडीशन से रिप्लेस कर दिया है हमने पाई माइनस c, और पाई माइनस c यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 × 2 मल्टीप्लाई हो गया साइन a साइन b साइन c। देखिए एक फार्मूला यहाँ पे आप और भी अप्लाई कर सकते हैं, देखो तीन चीज़ें जो हैं, तीन तरीके हैं जिससे आपका ये आंसर आ सकता है।
एक आप कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का जो एक्सपेंशन है वो अप्लाई करेंगे, तो अभी दो टर्म्स कैंसिल होके दो ऐड हो जाएंगी, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। एक डायरेक्ट फार्मूला भी है ये, तो डायरेक्ट आपको याद है तो ठीक है। अगर कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला याद है तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, सबसे आंसर आएगा टू साइन ए साइन बी। तो ये इस तरह से इसका आरएचएस पार्ट आ गया। तो ये चार क्वेश्चन, चार नहीं है लगभग आठ क्वेश्चन हैं इस तरह के, ये सिमिलर ही हैं क्वेश्चन। तो एक और हम देखते हैं इसी के साथ में कि कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी। इसमें देखिए आप क्वेश्चन सेम है, साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी, यहाँ पे कॉस टू ए कॉस टू बी कॉस टू सी, लेकिन जो आंसर है वो बिल्कुल अलग है दोनों के, कि आंसर आएगा माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। किस तरह से आएगा देखिए, जो तरीका जो है वो हमको वही अप्लाई करना है जो यहाँ पे किया था, सिर्फ फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे और आंसर आपका मिल जाएगा इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे हम कॉस सी प्लस कॉस डी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट जो टू टर्म्स हैं इसमें हम कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे हो गया टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और जो थर्ड टर्म है इसकी टू सी, इसको हमने वापस पिछले क्वेश्चन की तरह 360 माइनस टू ए प्लस बी करके लिख दिया। यहाँ पे ये टू से टू दोनों में कैंसिल होंगे, तो ये बनेगा टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए आ जाएगा कॉस टू ए प्लस बी। अब इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए फॉर्मूला अप्लाई इस तरह, क्योंकि कॉस टू ए के चार फॉर्मूले हैं, कॉस टू ए के इतने सारे मान हैं कि कॉस टू ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है, और यही जो फार्मूला है वो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन भी होता है, यही फार्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए भी होता है, और एक कॉस टू ए का फार्मूला जो टेन में होता है, जो अगर कभी क्वेश्चन टेन के अंदर है तो हम अप्लाई करते हैं, अदरवाइज तीन फार्मूले ये हैं। अब इन तीन में से आपको कौन सा अप्लाई करना है उसको समझना है। देखिए यहाँ पे कॉस टू ए प्लस बी लिख रहा है और हमको आंसर में एक माइनस वन चाहिए, तो वो माइनस वन हमको कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, इससे। तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको ही अप्लाई करेंगे, ए की जगह ए प्लस बी है यहाँ पे एंगल, तो ये टू कॉस स्क्वायर ए प्लस बी माइनस वन हो जाएगा। इस माइनस वन को हम आगे रख लेते हैं क्योंकि ये हमको आंसर में चाहिए एज इट इज़, बचा उसमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए टू कॉस स्क्वायर ए प्लस बी है, तो टू कॉस ए प्लस बी दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी। ये कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी वापस से डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, एक्सपेंशन लगा लीजिए या कॉस सी प्लस कॉस डी वापस लगा लीजिए, ये वाला फार्मूला। तीनों से आंसर आ जाएगा, तीनों से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस वन है, ये प्लस टू, कॉस ए प्लस बी को हम वापस से पाई माइनस सी लिख सकते हैं, इसमें हम वापस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी या सी प्लस डी, यानी ये पूरा एंगल ऐड होगा, तो बी से बी कैंसिल, जुड़ के ये हो जाएंगे टू ए और अपॉन में टू आएगा, फिर कॉस सी माइनस डी, इसमें से ये घटाना है तो इसमें से ये घटाएंगे, तो ये माइनस के टू भी बचेंगे, माइनस के टू भी, कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये माइनस का टू भी बाई टू हो जाएगा, जो बाद में कॉस पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस वन और कॉस पाई माइनस सी, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल और ये टू से भी ये टू कैंसिल, ये टू इंटू टू हो जाएगा फोर, ये बनेगा यहाँ पे कॉस ए, ये बनेगा कॉस बी और ये बनेगा कॉस सी। इस तरह से इसका जो आर एच एस साइड है वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, अब लिख देते हैं हम माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी। इस तरह से जो है इसका ये आर एच एस पार्ट सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो नेक्स्ट जो दो पार्ट बिल्कुल सेम है कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी माइनस साइन टू सी, और ऐसे यहाँ पे माइनस कॉस टू सी, दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 13, जो सेम पैटर्न हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था वही लगाना है। और जैसे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, इस टू सी को हम चेंज करके 360 माइनस टू ए प्लस बी लिख लेंगे, ये आ जाएगा टू साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। और इसमें ये माइनस का होता है, यहाँ पहले से माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया। वापस से हम साइन टू ए का फॉर्मूला जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, जो साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी था उसमें, तो वही जो अप्लाई कर रहे हैं हम सेम टू सेम। तो साइन ए टू साइन ए प्लस बी, यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लेंगे, बचा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, वापस से वही तीन कंसेप्ट हैं, आप एक्सपेंशन लगाइए, डायरेक्ट आंसर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए, और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ये इसका ओवरऑल आंसर आ गया 4 कॉस ए, क्योंकि इसका आंसर होगा कॉस ए कॉस बी, और ये जो है पाई माइनस सी साइन के अंदर आएगा, इसलिए ये साइन सी। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसका, वही सेम पैटर्न है कि फर्स्ट टू टर्म्स में हमने कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया है और इसको हमने ए प्लस बी में चेंज कर लिया, और यहाँ पे जो आंसर आया वो ठीक है, और यहाँ पे ये टू कॉस टू ए बन गया, कॉस टू ए प्लस बी। अब आंसर में देख लीजिए, आपको प्लस वन चाहिए कि माइनस वन, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें माइनस वन चाहिए था, तो यहाँ पे हमको प्लस वन चाहिए, इसलिए हम जो फॉर्मूला है वो भी इस तरह से अप्लाई करेंगे, वही कॉस स्क्वायर ए प्लस बी वाला, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए हम माइनस वन आता है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद में जो कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर, और ये प्लस वन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे फिर आंसर इसका टू साइन ए साइन भी हो जाएगा, जब भी कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी के बीच में प्लस साइन होता है तो कॉस ए कॉस बी में आंसर आता है, और जब भी यहाँ माइनस होता है तो साइन ए साइन बी में आंसर आता है, तो आप डायरेक्ट ही याद रखें इस चीज़ को। इसको हम वापस से देखिए पाई माइनस सी लिख लेंगे, तो ये हो गया 1 + 4 साइन ए साइन बी, और ये पाई माइनस सी है, ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए आंसर में आएगा 1 - 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इस तरह से जो आपके चार क्वेश्चन थे सेम क्वेश्चन चारों के चारों वो सॉल्व हो गए हैं, जिसमें 2a 2b 2c ही तीनों फॉर्मूले जो है वो एंगल भी 2a 2b 2c ही रहे हैं चारों में, और एक में तीनों पॉजिटिव एक में एक नेगेटिव है, तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो कंसेप्ट आपको मिल गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका उसमें हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कंडीशन तो सेम अप्लाई है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, लेकिन एंगल जो है वो अब हाफ है, साइन ए साइन बी साइन सी, ऐसे ही कॉस ए कॉस बी कॉस सी, उसके बाद एंगल वापस से और हाफ हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगती है अपना कमेंट जरूर शेयर करें, लाइक शेयर करें वीडियो को, और एक रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड करके ना देखें, बहुत छोटी सी वीडियो रहती है तो आप डायरेक्ट ही देख लें उसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।